सुप्रभात बच्चों, कल मैंने आपको जो पाठ यानी पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और आपके पास एक वीडियो भी भेजा था, आपने उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा भी होगा। अब मैं उसी को संक्षेप में यानी छोटे रूप में, उसका छोटा रूप यानी शॉर्ट स्टोरी आपको उसके बारे में बताऊंगी कि उस किताब में जो पाठ है उसमें क्या कहा गया है, क्यों दिया गया है आपके लिए। ठीक है, तो उसमें ये इसलिए दिया गया है आपको ये जानने के लिए कि जो हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, जिस स्वाधीन भारत में हम रहते हैं, यानी आप जो 15 अगस्त मनाते हैं, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त के दिन, तो उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसके पहले हमारा देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, तो उसको स्वतंत्र कराने के लिए यानी हमको अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, देश को आजाद कराने में भाग लिया, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। जैसे हमारे थे चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बहुत से खुदीराम बोस थे, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उन्हीं में से एक महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए यानी कंटिन्यू करने के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी, साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, अभी भी है वो आश्रम, वहाँ अभी भी काम होता है। तो उसकी स्थापना गांधी जी ने की थी। ठीक है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती नामक स्थान पर है, उसको साबरमती आश्रम कहते हैं। तो उस आश्रम में जो भी स्वतंत्रता से संबंधित जो भी बातें होती थी देश को स्वतंत्र कराने के लिए, तो उसको उस बारे में बातचीत करने के लिए वहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे गांधी जी के पास। वहाँ योजनाएं बनती थी, उपाय होते थे कि कैसे क्या किया जाए, कौन सा आंदोलन किया जाए कि हमारा देश जल्दी से जल्दी अंग्रेजों से आज़ाद हो सके। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों पर बहुत सारे अत्याचार किए थे। हम कहीं अपने मन से आ जा नहीं सकते थे, खाने पीने की चीज़ों पर कर लगा हुआ था, जिसको टैक्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में आपको गांधी जी ने नमक यानी हम जो नमक खाते हैं उस पर अंग्रेजों ने कर लगाया हुआ था, टैक्स लगाया हुआ था, यानी वो नमक हम आसानी से खरीद नहीं सकते थे, पैसा दे के उस नमक को खरीदना पड़ता था। और आप जानते हैं कि नमक हर घर में, चाहे वो छोटा छोटे लोग हो, चाहे वो बड़े लोग हो, गरीब हो, निर्धन हो, अमीर हो, हर घर में नमक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वो हम भारतीयों का अधिकार था। क्यों? क्योंकि नमक जो है वो समुद्र के पानी से बनता है, तो समुद्र का पानी वो सब जो हमारे देश में है वो सब हमारा है। तो समुद्र के पानी से बने हुए नमक को पैसा दे करके खरीदना, ये हमारे देश के लोगों के लिए मुश्किल काम था। हमारी गरीब जनता, हमारे जो भी हम लोग जो भारतीय लोग थे वो इससे बहुत परेशान थे। तो गांधी जी ने निश्चय किया कि अंग्रेजों का जुल्म अब हम और नहीं सहेंगे और इसके लिए एक आंदोलन निकालेंगे। तो उन्होंने दांडी मार्च नामक एक योजना निकाली। दांडी मार्च, मार्च माने दांडी नामक जगह पर वो जा करके पैदल चल करके उन्होंने, बहुत सारे लोग उनके साथ होते चले गए, मिलते चले गए और एक हुजूम बन गया, यानी लोगों का एक समूह बन गया बहुत बड़ा। और ऐसे करके वो दांडी नामक स्थान पर गए और वहाँ पर उन्होंने नमक बनाया, समुद्र के पानी से नमक बनाया और अंग्रेजों को दिखाया कि हम ये काम कर लेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस काम को देश विदेश के लोगों ने देखा और अंग्रेजों की बहुत भर्त्सना यानी अंग्रेजों को बहुत ही उन्होंने बुरा कहा कि आप लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ में आश्रम के बारे में भी बताया गया है, जिस आश्रम में धनी नाम का एक छोटा बच्चा है, जो कि गांधी जी की एक बकरी है जिसका नाम बिन्नी है, उसकी देखभाल करता है। ठीक है, उसके माता पिता भी उसी आश्रम में रहते हैं, माँ खाना पकाती है और पिता जो है वो अपना जो भी काम वहाँ मिलता है उस काम को वो करते हैं। ठीक है, तो जब पता चलता है धनी को कि आश्रम में दांडी मार्च की योजना बनाई जा रही है, तो वो बड़ा उत्सुक होता है कि दांडी मार्च आखिर है क्या। जब उसे पता चलता है कि उसमें सब लोग शामिल हो रहे हैं और दांडी मार्च में सब लोग जा रहे हैं गांधी जी के साथ, तो वो भी उत्सुक होकर कहता है कि मैं भी चलूंगा आपके साथ। गांधी जी कहते हैं कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, बच्चे इसमें नहीं जा सकते क्योंकि बहुत लंबा चलना पड़ता है।
तो धनी जो कि छोटा सा बच्चा है वो कहता है कि मैं तो दौड़ भी सकता हूँ, आप तो बूढ़े हो गए, आप कैसे चलेंगे? अगर आप चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूँ। तो गांधी जी उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि जब मैं ठीक है तुम चल सकते हो मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी यात्रा से लौट करके आऊँगा और बिन्नी तो तुम्हारे ही हाथ से खाती पीती है, बिन्नी कौन, बकरी, बकरी तुम्हारे ही हाथ से खाती पीती है, और जब वो खाएगी पिएगी नहीं, कमज़ोर हो जाएगी तो दूध कैसे देगी? क्यों? क्योंकि गांधी जी बकरी का ही दूध पीते थे। ठीक है, तो उसको समझाते हैं कि तुम यहाँ रह करके बिन्नी की देखभाल करो और जब मैं वापस लौट करके आऊँगा तो बिन्नी का दूध मुझे पिलाना, जिससे फिर मेरी ताकत वापस लौट आएगी और फिर हम लोग आश्रम में सब लोग मिलजुल के रहेंगे। यही इस पाठ की कहानी है और इस पाठ को बांग्ला भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसका अनुवाद हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में और भी भाषाओं में किया गया है। और ये आपको समझने के लिए, गांधी जी के बारे में जानने के लिए, स्वतंत्रता के आंदोलन के बारे में जानने के लिए आपके किताब में ये पाठ दिया गया है। मुझे आशा है कि ये पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।